अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं नवीद वड़ाइच, आपकी खिदमत में एक और एपिसोड लेके वकार फारूक खान और नवीद वड़ाइच आपकी खिदमत में एक मरतबा फिर हाजिर है। आज का एपिसोड जो है वो बहुत इंटरेस्टिंग इसलिए भी है कि आज हम आपको अपना जो पहला सेगमेंट है उसमें कम्युनिटी जो हमारी है जो आगे आ रही है एक पॉलिटिकल राउंड अप का हमने उसको नाम दिया है। हम आपको पॉलिटिकल एरेना से जो डेवलपमेंट्स हो रही है वो बताएंगे और उसके बाद क्या है जी वकार भाई, उसके बाद नवीद भाई हम जो है ट्रिब्यूट पेश करेंगे हमारे यहाँ से जाने वाले कौंसल जनरल डॉक्टर मोहम्मद तारिक साहब को। हम आपकी उनसे मुलाकात भी कराएंगे और उन्होंने जो आपके लिए पैगाम दिया है और अपना वक्त जो गुजारा है उसके मुतालिक वो अपने अपने ख्यालात शेयर करेंगे जी। और इससे पहला जो सेगमेंट हमारा जो पॉलिटिकल राउंड अप जो अब हम शुरू करने वाले हैं उसमें जो आजकल हमारे ब्रिटिश कोलंबिया की इलेक्शन की गहमा गहमियाँ हैं उनके उनसे मुतारफ कराएंगे। सरी एक जो जो एक गढ़ बना हुआ है पॉलिटिकल एरेना का हम उसके ऊपर थोड़ी सी आपको हाइलाइट्स दिखाएंगे। स्पेशली जो हमारे एक राइडिंग है जिसमें एनडीपी की जिनी सिम्स रन कर रही हैं और डॉक्टर जो हैं गुलजार चीमा वो रन कर रहे हैं और दोनों ने ही हमें अपनी इंट्रोडक्शन दी है, रिकॉर्ड कराई है। इंटरेस्टिंगली वकार भाई ये दोनों पर्सनालिटीज आप भी थोड़ी सी इसमें रोशनी डालिएगा, बड़ी नोन है कम्युनिटी को। जी बिल्कुल बिल्कुल, ये दोनों पर्सनालिटी क्योंकि कम्युनिटी के दरमियान में रही हैं और कम्युनिटी के लिए काम किया है तो मेरा ख्याल है कि ये बड़ी टफ कॉल होगी लोगों के लिए, बड़ी टफ होने जा रही है। और ये भी देख रहे हैं हम जैसे कि अब हमारे नाज़रीन भी इंट्रोडक्शन में भी देखेंगे कि जो एक दूसरे के ऊपर जो इल्जाम तराशी और ये इस तरह की चीजें भी हमें सरी में देखने की में आ रही हैं। और स्पेशली अब एक जैसे अब आप पहले सुनते थे जब से अमेरिका में इलेक्शन हुए हैं ये बात एक कोई इतनी अब ऐसे नहीं है कि जैसे एक पाकिस्तान में, पाकिस्तान के अलावा और किसी कंट्रीज में ये होती नहीं है। अब इलेक्शंस में रिगिंग का भी तस्वर सामने आने लग पड़ा है। जी बिल्कुल, पहले हम समझते थे कि सिर्फ जो है ये खेलों तक जो है महदूद है लेकिन अब तो वो पॉलिटिक्स भी जो है खेल बन चुकी है और लोग उसमें अपने तमाम राइट्स इस्तेमाल करते हैं। और हम जिस मुल्क में रहते हैं इस मुल्क की खूबसूरती ये है कि यहाँ आप खुलेआम जो है किसी भी किसी से भी किसी बात पे भी इख्तलाफ रख सकते हैं, आपका हक राय राय दही जो है यहाँ पर महफूज है और हम आपसे उस हक राय दही को इस्तेमाल करने के लिए दरख्वास्त करेंगे कि 24 अक्टूबर का दिन आप याद रखिए, उससे पहले भी जो पोलिंग स्टेशन हैं उस पर आप जाइए और अपना हक इस्तेमाल कीजिए और अपने पसंद के कैंडिडेट को जिसको आप समझते हैं कि वो आपकी आवाज़ बनेगा बीसी लेजिस्लेचर के फ्लोर के ऊपर उनको आप वोट दीजिए और अपने वोट का हक इस्तेमाल कीजिए। नाजरीन आपके साथ पैकेज छोड़ते जा रहे हैं, आप खुद डिसाइड कीजिए, आप निकलिए, आप अकल रखते हैं, शऊर रखते हैं, आपको पता है आपके लिए कौन बेहतर है। लेकिन हमारे प्लेटफॉर्म से एक बात बड़ी फर्म है कि आप बाहर निकलिए, वोट का हक जरूर इस्तेमाल कीजिए। क्यों वकार जी? बिल्कुल, आप अपने जरूर बाहर निकलिए, वोट का हक जरूर इस्तेमाल कीजिए। और हम एक और भी काम करने जा रहे हैं कि हम एक पॉलिटिकल डिबेट का एहतमाम करने जा रहे हैं। हमारी कोशिश जारी है कि तमाम हलकों से जिन जिन कॉन्स्टिट्यूएंसी से लोग खड़े हो रहे हैं उनको हम एक प्लेटफॉर्म पर जमा करके उनसे सवाल करें। तो अगर आपके जहन में कोई सवाल आते हैं जो आप अपने इलाके के कॉन्स्टिट्यूएंट से करना चाहते हैं तो नीचे इस प्रोग्राम की ईमेल आपको नजर आएगी, आप उस पर ईमेल कर सकते हैं हमें और हम आपको यकीन दिलाते हैं कि वो सवाल हम वो उन तमाम कंटेस्टेंट से हम जरूर करेंगे आपके बिहाफ पे और उसका जवाब भी टेलीकास्ट करेंगे, ब्रॉडकास्ट करेंगे। Are you looking for a townhouse? Now is your opportunity to own a gorgeous townhouse in Surrey starting at $649. This includes 3 to 4 bedrooms with a double garage and a beautiful landscape. To book these townhouses or for any other real estate needs, please call Amjad Bajwa from Sudden Alliance at 604-825-2277. Sundays at 2 p.m. join Naveed Warraj as he explores Pakistan, Canadian culture through local events and interesting people. Presented in Urdu with English.
My name is Dr. Gulzar Cheema and I'm the BC Liberal candidate for Surrey Panorama. This is the riding where I live. I have been part of this riding for over 25 years. This is the riding where I practice my medicine. I have been involved in the community for over 25 years. This is the place where I've raised my family. This is the place where my friends and my associates and my connections live in this riding. This is the part of the riding where I ran in 2001. This is the riding where I won in 2001. And that time I was appointed as a first minister of state for mental health in British Columbia. I understand what it takes to be a good MLA and to be effective MLA. I have seen for the last 3.5 years that our MLA has not been very effective. Our MLA has been hiding and she has gone through investigations. When you have a MLA which has been actually hiding for 9 months and investigation was going on, how can you serve the community? And also, if there was no confidence by their own party, she was never put back as a cabinet member. So that tells a good story that something has gone wrong. We must be accountable. We must work for the community. And if you have done something wrong, then you should tell everyone. Your story must be told. And the present MLA's story is very fuzzy. It's very vague. And her explanation is not credible. I'm standing at the entrance of Surrey Panorama Ridge. Welcome to Surrey. This is the place where the Surrey Panorama starts. This area needs to have a lot of improvement. When we are coming from Vancouver, we have no bridge. Our tunnels are blocked. We have a traffic jam everywhere. Surrey has been treated very poorly, unfairly, and it shows me that our MLA has been very ineffective. In fact, she hasn't done anything for this area. She has been collecting her paycheck when she was under investigation. What I will do, I will be accountable to the constituents. They know my record. They know that I have served the community as a volunteer, as a physician. I have been a part of this community for a long period of time. This time, before I chose to run again, I consulted with a lot of people, a lot of organizations, people from all backgrounds. And there was one message which was very clear. We need a representation who will speak for Surrey Panorama. And I think I could be that voice. I'm asking your support. My humble request is, look at my previous record, look at my contribution, look at my ethics, look at the way I have represented this community. As everyone knows, Surrey is a growing place. We have almost 500,000 to 600,000 people who live in Surrey. We have a large group of individuals, new immigrants from all over the world, they come to Surrey. When you look at this highway number 10, and then you know that the Surrey is growing. And when you come to Surrey, if you have one hospital, people are asking question, why can't we have access to another hospital? Our government will build a hospital. We will not only announce it, we will build it, we will have a plan, and we will have a budget in our, we'll have a specific budget for the plan. I think people of Surrey are fed up with the lies and cheating and misleading. I think for the last 3.5 years, I have heard nothing but repeat of same mistakes. They lie to the taxi industry. They have not been honest to the trucking industry. They have not been honest to the community in Surrey. They have not told the truth. And their MLA in this area has been very ineffective. She has only attended dinners and parties. And I think we need to have someone who's going to work for you. I think people are expecting me to do a good job for them, which I will. I have been part of many organizations. I have attended many functions. I go and meet with people. I volunteer my time. You can see me at levels of community activities. My family is participating at all levels of activity. And if you know who I am, my book is very open. All pages of my books are very open. You can examine from one to the last page.
either it's my personal life or my professional life or my political life. My contributions are important and I'm very proud of them. My family is very supportive. My kids have grown up in this community. They continue to volunteer their time. I continue to give a lot of time for the community. And I work with all sections of the community. I'm very close to the Punjabi Muslim community. They are integral part of Surrey. And I'm so happy to talk to you, Naveed, and reach to your audience, reach to the audience through you. I'm humbly requesting them that if you would elect me, if you think I can do a good job for you, then please vote for me. And just compare what about my background, my contribution, and my opposition's background and competition and the past record. Naveed, I'm part of this party for the last 27 years. I have worked with Dr. Andrew Wilkinson. I have known him for the last 27 years. I believe that he will make one of the best premiers possible. He is bright, he's smart, he's bold. Why I said he's bold? Because his last, in few days ago, he made a policy announcement about the PST. We will have a zero PST for this year. And next year we'll have a 3%. I think we need to kickstart the economy. We need to put money in the back of, in the pocket of a lot of people. I think when you cut the PST, it helps everyone. And I think that's a bold move. That's a very important move. And there are more policies to come. We are going to build a hospital here. Not only we'll build a hospital, we'll also take care of a lot of portables here. I think our school system is also not adequate. It's not meeting the needs of the community. When you have a poor when you have an inadequate space for the kids, that's why I'm so worried when during the pandemic, when they call the election. I think this is an unwanted election at a very bad time. When the every part of the community is concerned, they are suffering, and some of the members have lost their family members. And I think we should have never called this campaign. NDP has broken that promise. They made a pact with the Green Party, and they unilaterally went ahead and they called the election. Our election should have happened in 2021. They called election 1 year in advance. We made the law in this province in 2001 so that no political party can have advantage. So it's typical that the NDP has taken advantage of their popularity because people know that the good work done by healthcare professionals was very effective. And I think they took advantage of those numbers and they're calling the election, and people are very upset. In Surrey Panorama Ridge, people are very angry. They are concerned. Their concerns are my concern, and I want them to look at my candidacy, look at my record, look at my background, my professional contribution, and look at what I can do for them in the near future. मैं BC Liberal Party का Surrey Panorama का candidate हूँ. मैं इस community में पिछले 25 years तो रह रहा हूँ. इतने मेरा कार्य ਇੱਥੇ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਪਾਰਟਨਰਸ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਮੇਰੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਇਸੇ ਏਰੀਏ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਟਾਈਮ ਵਲੰਟੀਅਰ ਕਰਨਾ, ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਰੋਜ਼ ਵਾਕ ਕਰਨਾ, ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਬੱਚੇ ਵੱਡੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਕੰਸਟੀਚੁਐਂਸੀ ਨੂੰ ਮੈਂ 2001 'ਚ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸਰਵ, ਅਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆਫ ਸਟੇਟ ਫਾਰ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ. ਮੈਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਸਾਲ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬੜੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ. ਪਿਛਲੇ 17 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਵਲੰਟੀਅਰ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਵੇਖਿਆ ਹੋਣਾ. ਪਿਛਲੇ 3.5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ MLA ਹੋਣੇ, ਉਸ MLA ਨੇ 3.5 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਰੋਟੀਆਂ ਖਾਧੀਆਂ ਨੇ. ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਅਟੈਂਡ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਖਾਣਾ ਹੀ ਖਾਧਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 3.5 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ 9 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਹੋਈ. ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦੇ ਟਾਈਮ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਈਡ ਕੀਤਾ. ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ.
ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਂਸਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਆਂਸਰ ਹੈਗਾ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸਵਾਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੈਕਡ ਦੇਖੋ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਦੇਖੋ। ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਦਮੀ ਪਿਛਲੇ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਿੱਚ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਜਿਹਦੀ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬੈਡ ਰੈਕਡ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿੱਧੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਪਿਛੋਕੜ ਦੇਖ ਲਓ, ਮੇਰਾ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਦੇਖ ਲਓ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਫਿਊਚਰ ਵੀ ਉਹ ਪਿਛੋਕੜ 'ਤੇ ਹੁੰਦਾ। ਸਰ ਮੈਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀਆਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਬੜਾ ਇਨਕਲੂਸਿਵ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੇਰਾ ਪੰਜਾਬੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨਾਲ ਅਤੇ ਬਾਕੀਆਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਸਤਿਕਾਰ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦੇ ਬਹੁਤ ਉਹ ਨੇੜੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਆਮ ਸੋ ਗ੍ਰੇਟਫੁਲ। ਮੈਂ ਸਭ ਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਸਰੀ ਪੈਨਾਰਾਮਾ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਨਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਦੇਖ ਕੇ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਵੋਟ ਪਾਓ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਵੇਖਿਓ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਕੰਮ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾੜੇ ਸਾਰੇ ਭੁੱਲ ਜਾਣੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ। My name is Jenny Sims, and I've served as the MLA in Surrey Panorama for the last 3.5 years. Before that, I was a Member of Parliament in Newton North Delta, and before that, many of you know, I was the President of the BC Teachers Federation. I'm a teacher, and I ran to be an MLA because I wanted to serve the community, because I care about public education, because I care about healthcare, because I care about infrastructure, and most of all, because I want to help to build a world, to build a society right here in British Columbia that is good for our children, that is inclusive. We have racism, we have all kinds of issues in our communities, and we are a multicultural community. So how do we bring everybody together in this Canadian landscape, and how do we support each other? We are only as strong as each other. So it's really important for me, and I'm so proud of the relationship I have built within the Muslim community, and especially amongst the Pakistani community. You're my brothers and sisters, and we have worked so closely together, whether it was fighting all the racism that came after 9/11, or whether it's been the many challenges we faced since then, whether it's been in Quebec, or whether it's been in Saskatchewan, whether it's been right here in our home. My appeal to you and my commitment to you is when you vote for me, you get a firm voice, you get a voice for the community, and you get a voice for our kids. And for me, what is it that drives me to do this job? Let me tell you, it's not the paycheck, because the paycheck is much lower than the one I was making before. For me, it is the fact that I am making the world a better place for my children, my grandchildren, and our great-grandchildren. I'm a proud mother, I'm a proud teacher, and I'm a proud member of Surrey because of our multiculturalism and how we work together and how every one of us has a role to play. And how do we mentor our children so that they are not less than others? How do we educate our kids and let them know that they have just as much right to be here as anybody else? Yes, we should be very firm with our religious practices. Yes, we should have our language, because I think any community that loses its language loses its identity. We need to learn that from the First Nations. Their identity started to disappear when they gave up on the language and the language was taken away from them. So even if you're born here and you're of Pakistani descent, or you're of Indian descent, or you're from Sweden or Norway, wherever you come from, make sure you are connected with your roots, you keep your language, but at the same time, as we do all of that, we are also Canadians. So let us commit to those values. Let's live with the rules and regulations that are made here. This country has given us so much. This province has given me so much. So let's work together to make this the very best place that we can for our children. I make my commitment to do that. I am proud that I got to serve with John Horgan. John Horgan is a man of the people. He is one who listens and he cares, and he has a very balanced approach. Just look at what has come into Surrey under John Horgan. The tolls are gone. MSP premiums are gone. Patalo Bridge, the contract has been given, and they are hiring as we speak.
$402 million spent in schools in Surrey, 18 different projects. While the Liberals, I want to remind you, only did one project in the 3 years, their last 3 years. And I look at healthcare. Two new primary care centres, a nurse practitioner centre. On top of that, Roshini Clinic, which is a South Asian specific clinic for mental health and opioid crisis. A new announcement of building up a diversity village where people of South Asian descent can go in their golden years, I would say, and receive food that's familiar to them, language that's familiar to them, and also be aware and engaged with the cultural events. I look at the new hospital that's coming to Surrey. Whereas the Liberals stood and took photo ops and then sold the land before they left, we've made a concept plan. That was millions of dollars. Since then, we've done a business plan. The land is there. It's going to be in Cloverdale. And after that, it's going to be built. And it'll go to procurement. And I know that hospital is going to be state of the art. And it's going to have a state-of-the-art cancer unit in there, and that makes me proud. I look at what we've done for childcare. I want to talk about Surrey Panorama for a minute. Right here in Surrey Panorama, over $7 million goes into the pockets of parents because of the subsidized childcare. Just think about that. That's only in Surrey Panorama. We've had so many childcare spaces opened up. And when I'm looking at Surrey Panorama, I have to look across the road to see construction going on. I look at extensions that have already been built. And I am so, so very proud of the work we have done. Meha Jinny Sims, jisne pichle saadhe tin saalan layi Surrey Panorama nu represent kita. ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮੋਰੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਐਤਕੀ ਫੇਰ ਵੋਟ ਪਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਭੇਜੋ ਕਿਉਂ ਭੇਜੋਗੇ ਕਿਉਂ ਵੋਟ ਪਾਉਂਗੇ ਜਿਨੀ ਸਿਮਸ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ 3.5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਸਰੀ ਵਿੱਚ ਆਈ ਆ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ 16 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਦੇਖਦੀ ਹਾਂ ਪਠਾਲੋ ਬ੍ਰਿਜ ਉਹਦੀ ਕੰਟਰੈਕਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਆ ਉਹ ਹਾਇਰ ਹੋ ਰਹੇ ਆ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਅਸੀਂ ਕਨਸੈਪਟ ਪਲਾਨ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ ਬਿਜ਼ਨਸ ਪਲਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈ ਲਈ ਆ ਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵੀ ਬਣ ਜਾਣਾ ਆ ਤੇ ਲਿਬਰਲ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚ ਕੇ ਵੀ ਚੱਲ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਬਣਾਇਆ ਜੇ ਮੈਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਦੇਖਾਂ $402 million ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਸਿਰਫ ਸਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਸਕੂਲ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਤੇ ਐਕਸਪੈਂਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ 18 ਡਿਫਰੈਂਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ 18 ਡਿਫਰੈਂਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਪਿਛਲੇ 3 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਲਿਬਰਲ ਸਰਕਾਰ ਸੀਗੀ ਆਖਰੀ 3 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਫਿਨਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੈਕੋਰਡ ਆ ਜਦੋਂ ਉਹ ਗਏ ਸੀਗੇ 7,500 ਬੱਚਾ ਪੋਰਟੇਬਲਸ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਸੀਗਾ ਅੱਜ ਅਸੀਂ 9,000 ਨਵੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਐਕਸਪੈਂਡਡ ਸੀਟਸ ਬਣਾਈਆਂ ਆ ਸਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ MSP ਦਾ ਸੋਚੀਦਾ MSP ਵੀ ਚਲ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਥੌਲਸ ਵੀ ਚੁਕਾ ਦਿੱਤੇ ਆ ਚਾਈਲਡ ਕੇਅਰ ਸਪੇਸਿਸ ਵੀ ਹੋਰ ਬਣ ਗਈਆਂ ਆ ਸਕਾਈ ਟ੍ਰੇਨ ਵੀ ਸਰੀ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣੀ ਆ ਸਾਡੀ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈਗੀ ਆ ਸੋ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਦੇਖਦੀ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਸਾਡੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਕੀਤੇ ਆ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੋਰੇ ਰੱਖ ਕੇ ਕੀਤੇ ਆ ਤੇ ਨਾਲੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਨਾਲ ਸਾਥ ਰੱਖ ਕੇ ਕੀਤੇ ਆ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬੈਲੈਂਸਡ ਅਪਰੋਚ ਹੈਗੀ ਆ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਟੌਪ ਇਕਨੋਮਿਸਟ ਆ ਉਹ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਜਦੋਂ ਦੀ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਆ ਲਗਾਤਾਰ AAA ਰੇਟਿੰਗ ਰਹੀ ਆ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਕੋਵਿਡ ਵਿੱਚ BC ਦੇ ਕੋਲ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਨੰਬਰ ਤੇ ਹੈਗੀ ਆ ਇਕਨੋਮੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਐਂਡ ਦ ਰੀਸਟਾਰਟ ਸੋ ਇਸ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ ਇਹ ਕਿਉਂਕਿ ਜੌਨ ਹੋਗਨ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਇਹ ਮੈਡੀਕਲ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਡਾਕਟਰ ਬੋਨੀ ਹੈਨਰੀ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਦੀ ਆ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਇਸ ਪੈਂਡੈਮਿਕ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ ਆ ਪਰ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਕਨੋਮੀ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਚਲਾਉਣਾ ਆ ਸਕੂਲ ਕਿੱਦਾਂ ਮੁੜ ਕੇ ਖੋਲ੍ਹਣੇ ਆ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਡਿਸੀਜਨ ਹੁੰਦੇ ਆ ਸੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿਲੋਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਨੀ ਸਿਮਸ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੀ ਆ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ ਸਖਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਆ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਭੇਜੋ ਅਤੇ ਇੱਕ ਆਖਰੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿਣੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਵੋਟ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਕੀਮਤੀ ਆ ਉਸ ਵੋਟ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਆ ਜਾਨਾਂ ਗਵਾਈਆਂ ਆ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੱਥ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਆਪ ਪਾਵੋ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਹੱਕ ਹੈਗਾ ਆ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਦੇਣੀ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕੰਮ ਹੈਗਾ ਆ ਸੋ ਪਲੀਜ਼ ਦੇਖ ਕੇ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਵੋਟ ਪਾਵੋ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ
प्रिंसिपल्स देखो, पार्टी देखो, असूल देखो, उन्होंने काम किए देखो, उन्होंने वे वे वादे जोड़े करी जाते हो वाल घट ध्यान रखो करके 16 साल उन्होंने सरी को बेवकूफ बना के रखिया क्योंकि उन्होंने इतने इनवैसटमेंट नहीं की पर फंक्शंस बहुत किए आ। पर जॉन होगन ने इतने जोड़ा काम किया पहले 16 साल दूसरी सरकार जी लिबरल की सी उन्होंने छोटा जहा हिस्सा भी नहीं किया। अब इलेक्शंस में रिगिंग का भी तसव्वुर सामने आने लग पड़ा जी बिल्कुल। पहले हम समझते थे कि सिर्फ जो है ये खेलों तक जो है महदूद है लेकिन हाँ। अब तो वो पॉलिटिक्स भी जो है खेल बन चुकी है हाँ। और लोग उसमें अपने तमाम राइट्स इस्तेमाल करते हैं और हम जिस मुल्क में रहते हैं इस मुल्क की खूबसूरती ये है कि यहाँ आप खुलेआम जो है किसी बात पे भी इख्तलाफ रख सकते हैं जी। आपका हक राय दही जो है यहाँ पर महफूज है और हम आपसे उस हक राय दही को इस्तेमाल करने के लिए दरख्वास्त करेंगे कि 24 अक्टूबर का दिन आप याद रखिए, उससे पहले भी जो पोलिंग स्टेशन हैं उस पर आप जाइए और अपना हक इस्तेमाल कीजिए और अपने पसंद के कैंडिडेट को जिसको आप समझते हैं कि वो आपकी आवाज़ बनेगा बीसी लेजिस्लेचर के फ्लोर के ऊपर, उनको आप वोट दीजिए और अपने वोट का हक इस्तेमाल कीजिए। अब एक और हम एक ऐसी जो खातून है उनसे मिले हैं जो बर्नबी में रन कर रही हैं, उनके मतलब आपको थोड़ा सा अगर अंदाजा हो, वो पिछली दफा भी उन्होंने पिछली दफा वो जो है वो सिटी इलेक्शंस के अंदर जो है वो उन्होंने हिस्सा लिया था और काफ़ी तादाद में तकरीबन 12,000 वोट्स उन्होंने लिए थे और जबकि उनका पहला कंटेस्ट था, तो हमने उनको बहुत इंकरेज किया कि वो आगे आई हैं और उन्होंने इनिशिएटिव लिया है और उनको ग्रीन पार्टी की तरफ से नॉमिनेशन हासिल हुई है और वो बर्नबी से लड़ रही हैं। तो हमारे बर्नबी में रहने वाले जितने भी नाजरीन हैं हम उनसे दरख्वास्त करेंगे कि वो भरपूर अंदाज में बाहर निकलें और COVID-19 की जो हेल्थ गाइडलाइंस हैं उसको सामने रखते हुए, उनको फॉलो करते हुए, मज़े न रखते हुए अपने वोट का इस्तेमाल करें। अगर आप समझते हैं कि महरीन जो हैं वो आपकी सही नुमाइंदगी कर सकती हैं और उनकी हौसला अफजाई आप करना चाहते हैं तो आप उनको ज़रूर वोट दें। वकार भाई, एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है कि वो एक ग्रीन पार्टी से उनका ताल्लुक है, वो ग्रीन पार्टी से इलेक्शन रन कर रही हैं, कॉन्टेस्ट कर रही हैं और जब मेरी उनसे बात हुई तो वो कह रही थी कि एक तो वो कम्युनिटी का शुक्रिया अदा कर रही थी कि कम्युनिटी ने बड़ी सपोर्ट जो है वो दी है, तो वो उसके ऊपर थोड़ी सी परेशान भी मुझे नज़र आई कि उनके पास थोड़े से महदूद फंड्स हैं चूँकि ग्रीन पार्टी एक नई पार्टी है और ख़ुद वो मेरीन भी जो है अभी स्ट्रगल कर रही हैं लाइफ को यहाँ पर सेटल करने में स्ट्रगल कर रही हैं और इसके साथ वो एक बड़ी एक ऐसी ऑप्शन जो करी बड़ी एजुकेटेड खातून है, उनसे आपकी मुलाकात कराते हैं। नाजरीन हमारे इस पैकेज में आप मेरीन से भी आप उनको देख सकेंगे कि वो क्या अपने बारे में आपसे कह रही हैं। Hello, my name is Mehreen Chaudhary. I am the BC Green Party MLA candidate for Burnaby Deer Lake. We are here at the Burnaby City Hall right behind me. I'm here to introduce myself to the community. I was born in Ottawa and I was raised in Pakistan. I got my higher education from the US. I've got an MBA from University of Illinois. I have been part of the Burnaby community for the last 4 years. I am comparatively new to Canada, I'm a single parent with 2 boys living over here and trying to connect with my community. As a newcomer to Canada, I understand a lot of things that I faced personally, and that was my motivation to get involved more in politics. Green Party has a policy of diversity, inclusion, and they gave me a good platform and a good way to get in where I can get my voice heard. I ran for Burnaby City Council in 2018 with the Green Party. That was my first election. I got an overwhelming support from the community. The love and the support that I got is the reason I'm here again. And I think, there is opportunity for diversity to get into the politics of not just Burnaby, but of BC. And that is the reason I'm here. And I'm very thankful to every member of our community who has supported
me and other candidates who have taken this initiative to run either in city council or provincially. Many of you might know that BC Green Party has elected a new member. Her name is Sonia, and she is a wonderful candidate. She was a school teacher. She has strong community ties. She understands the need of young families, understands the needs of children, and she's a big advocate about all of those things. And as our platform is coming out, you can see from the platform that the Green Party is very community driven. They look at the day-to-day problems of people, and that is what they're trying to solve. I'm very lucky to be nominated by the BC Greens, because their values and their platform ties in very closely to my own life. As a mother, as a parent, as a woman, I feel strongly about a lot of things and a lot of things that we face day to day. And I want to address those things, and that is why I have put my name forth for. So today I am reaching out to my community once again for their support, their love. What I need from my community is to get out there, vote, please register for voting, please get your mail-in ballots. I am taking this initiative to make a difference in our community, to make a difference in our day-to-day life. And I am looking for some volunteers. If you can volunteer some time, if nothing else, please, get on Facebook. You can add yourself to my page, share that, call up your friends, tell them about me, tell them about, that we need to, we have a chance to have diversity in the British Columbia Assembly now. So I am looking forward to my community to support me, to come out there in whatever form, in however you can, donations, your time, your effort, your phone calls, even if you can spare 10 minutes just to call some friends up and make sure that everybody is voting. My name is Meereen Chaudhary, and I belong to Pakistan. I am a candidate for BC Green Party for MLA. From Burnaby Deer Lake. हम आज सिटी हॉल के बाहर हैं और मैं अपनी कम्युनिटी से आज बात करना चाहती हूँ. मैं चाहती हूँ कि मेरी कम्युनिटी जो है वो मुझे सपोर्ट करे, मुझे वोट करे, ताकि मैं अपनी कम्युनिटी के लिए कुछ कर सकूँ, मुझे मौका दें. बहुत ज़रूरी है हम लोगों को बाहर निकल के एक दूसरे के लिए कुछ करने का, एक अपनी आवाज़ बाहर निकालने का. और मैंने ये अपॉर्चुनिटी ली है ताकि मैं अपनी कम्युनिटी के लिए और सबके लिए कुछ कर सकूं. तो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड कि आप लोग सब लोग मुझे सपोर्ट करेंगे और अपने इर्द गिर्द लोगों को बताएंगे मेरे बारे में. और जितनी भी आप लोगों से सपोर्ट मुझे लास्ट टाइम जब मैंने सिटी काउंसिल के लिए रन किया था बर्नबी में मिली थी, इस दफ़ा मैं उससे भी ज़्यादा सपोर्ट आप लोगों से चाहती हूँ. मैं अपनी कम्युनिटी से यही कहना चाहूँगी कि ये एक हमारे पास बहुत अच्छा मौका आया है कि हम लोग कोई मेंबर अपनी कम्युनिटी का पॉलिटिक्स में ला सकें. और मैं अपनी कम्युनिटी से यही कहूँगी कि ये बहुत अच्छी घड़ी है कि हम लोग कुछ कर सकें, और उसके लिए आप लोगों की सपोर्ट चाहिए, आपकी कंट्रीब्यूशन चाहिए. और मैं चाहती हूँ कि आप लोग सब निकलें और मुझे सपोर्ट करें. और अगर कोई भी और मुसलमान या हमारा कोई भी कम्युनिटी का मेंबर है जो पॉलिटिक्स में आ रहा है और ये जो स्टेप ले रहा है, आप लोग प्लीज़ उसको सपोर्ट करें. ये आसान काम नहीं है, और आप लोगों की सपोर्ट के बगैर हम कुछ भी नहीं कर सकते. और यही मौका है कि हम अपनी कम्युनिटी के लिए कुछ करके दिखाएं. आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया. आप लोगों ने पहले भी मुझे सपोर्ट किया है, और इस दफ़ा भी मैं आप लोगों की सपोर्ट की मुंतज़िर हूँ. जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वैंकूवर विद नवीद वड़ाइश में मैं हूँ आपका होस्ट वकार फारूक खान, और मेरे साथ है नवीद वड़ाइश, और हमारे साथ एक और हस्ती भी मौजूद है जिनके मुतालिक मैं ये कहूँगा कि मैं तेरा नाम ना भी लूँ तब भी लोग पहचाने. आप अपना तारुफ हवा बहार की है. हमारे साथ हमारे मौजूद कौंसिल जनरल डॉक्टर मोहम्मद तारिक साहब मौजूद हैं.
ये जो प्रोग्राम हमने तरतीब दिया है जो कस्बा रेस्टोरेंट पे हम लंच कर रहे हैं डॉक्टर तारिक साहब के साथ, तो डॉक्टर तारिक साहब 7 तारीख को पाकिस्तान वापस जा रहे हैं एक लॉन्ग सर्विंग कौंसल जनरल के तौर पे, ये वैंकूवर में मुकीम रहे हैं और हमारा इनके साथ जो साथ है वो 6 साल पे नहीं बल्कि हमारी पूरी ज़िंदगी पे मुहित है। जो ताल्लुक इन्होंने अपनी कम्युनिटी के साथ बनाया और जिस तरह का इन्होंने कम्युनिटी को इंगेज किया उसकी तारीफ जो है वो अल्फाजों में मुमकिन नहीं है। तो जो यादें ये हमारे पास छोड़े जा रहे हैं उसके नक्श बहुत देर तक या वैंकूवर की फ़िज़ाओं में कायम रहेंगे। तो हमने ये सोचा कि आपके सामने डॉक्टर तारिक साहब की शख्सियत के वो हिस्से सामने लाए जाएं कि जिससे जिसका तारुफ इन 6 सालों में नहीं हो सका, और हम जो गुफ्तगू करेंगे वो बहुत ही गैर रस्मी होगी और हम उनसे जानेंगे उनकी ज़िंदगी के मुतालिक कि जो बातें वो हमसे नहीं कर सके। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने अपने कीमती वक्त में से हमारे लिए वक्त निकाला और हमारे साथ हमारी लंच की दावत को कबूल किया। कहते हैं कि व्हेन यू स्टे लॉन्गर एट वन प्लेस यू बिकम दैट प्लेस, ठीक है ना, आप किसी जगह पर ज़्यादा रहते हैं तो आप वही जगह बन जाते हैं। तो हमारे लिए यकीन करना बहुत मुश्किल है कि अब आप हमें छोड़ के जा रहे हैं, तो लेकिन ये सवाल करना भी अजीब है कि आपसे पूछा जाए, लेकिन ज़रूरी भी है कि आप अपने बैकग्राउंड के मुताबिक पहले कुछ बताएं कि जो अब तक हम नहीं जान सके कि आप कहाँ से बिलोंग करते हैं और किस तरह ज़िंदगी के मराहल से गुजरते हुए आप वैंकूवर में लैंड हुए और आप वापस अपनी ओरिजिन की तरफ जा रहे हैं। डॉक्टर साहब साथ शुरू कीजिए, एपेटाइजर है आपके लिए। तो बिल्कुल ये कैजुअल सी टॉक है और हमारे नाज़रीन भी जानते हैं इस सब कैजुअल ही है। बहुत शुक्रिया आपका वकार भाई और नवीद वड़ाइश साहब, ये मेरा आपके साथ पहला सेशन नहीं है, कई आपके साथ कई सेशन मैं कर चुका हूँ और आप लोग मुझे पहले भी एक दफ़ा फेयरवेल दे चुके हैं, लेकिन मैं इस दफ़ा जो मैं जो आपकी जो फेयरवेल है ना ये रियल फेयरवेल है, ठीक है। मैं ये नहीं है कि इसके बाद ठहरूंगा, ठीक है। 7 तारीख को मेरे जो टिकट थी वो डन है, ठीक है, और मैंने जाना है, ठीक है। आपने बड़ी अच्छी बातें की, ये यकीनन 6 साल बहुत लंबा अरसा होता है आपकी ज़िंदगी का। अगर आपकी एवरेज 60 साल की उम्र है तो आप ये समझें कि 1/10 आपका आपने यहाँ पे गुजार दिया। मुझे फैज साहब की जो नज़म है वो ढाका से वापसी भी उनका टाइटल है क्या, हम के ठहरे अजनबी इतनी मुलाकातों के बाद, बहुत खूब फिर बनेंगे आशना कितनी मुलाकातों के बाद। वाह, दिल ने चाहा पर शिकस्त दिल ने मोहलत ही न दी, कुछ किले शिकवे भी कर लेते मुनाजातों के बाद। तो आज क्या बात जो है ना, आप थोड़ी सी पर्सनल लेवल पे आपने जो ना आपने क्वेश्चन किए हैं, ठीक है, जो जिंदगी में जो ना जो आप कहते हैं कि जी एक जो हर इंसान की ज़िंदगी में अप्स एंड डाउन आते रहते हैं, ठीक है, और जो आपका जो एक है आज, मैं ये समझ रहा हूँ कि मेरी ये एक ऐसे मौके पे एक ऐसे दोराहे पे मैं खड़ा हूँ जो मेरी अप भी है और डाउन भी है। अप इस सेंस में कि मैं वापस जा रहा हूँ इस्लामाबाद, डाउन इस सेंस में कि जी मैं जो है ना वो अपने दोस्तों को छोड़ के जा रहा हूँ। मेरा बैकग्राउंड जो है वो मेरा ताल्लुक सवाबी से है और इससे पहले भी मुझसे एक सवाल हो चुका था इस तरह का। गदून एरिया है वहाँ पे जो कि पुरफजा मकाम है, एक तरफ सवात है जी बुनेर का इलाका है जी, और दूसरी तरफ जो है ना वो हजारा है जो कि बड़ी खूबसूरत जगह है। यहाँ पे मैं पैदा हुआ वहाँ पे, ठीक है, हमारी जो फैमिली थी हम कहते हैं कि जी एक जो था हम जो स्मॉल फार्मर जो आप कहते हैं किसान जो है ना वो हमारी जो फैमिली है, और मेरे वालिद साहब वो कोई आला तालीम याफ्ते नहीं थे, ना मेरी वालिदा कोई पढ़ी लिखी थी जी, लेकिन बहुत ही इनलाइटेड मेरे वालिद साहब इंसान थे, रह चुके थे सिंगापुर में मलेशिया में उस ज़माने में 19
30s में, तो उन्होंने बहुत कुछ देखा था, तो उनका जो फोकस था वो ये था कि हम न सिर्फ ये कि हम उनके बच्चे पढ़ें, बल्कि अपने पूरे रिश्तेदार जो थे उनकी पढ़ाई पे उनका उनकी तवज्जो थी। मेरी वालिदा साहबा जो है ना वो काफ़ी कंजर्वेटिव थी, वो जो टिपिकल ट्रेडिशनल जो पेरेंट्स होते हैं उनकी तरह वो कोई इतना वो नहीं होता कि जी आपके साथ कोई बड़े लाड प्यार करें। हमने मार भी खाई अपने पेरेंट्स से, तो और मुझे कोई उसका वो नहीं है, गिला नहीं है, क्योंकि वो माहौल ही ऐसा था। जैसे जो हम आज जो हमारा रवैया होता है अपने बच्चों के साथ वो हमारे पेरेंट्स का नहीं होता था, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि हमारे पेरेंट्स जो है ना वो बहुत ही हम लोगों पे फख्र करते थे, बाकी पेरेंट्स की बड़ी उम्मीदें रखते थे हमसे, बड़ी उम्मीदें रखते थे, और यकीनन बड़ी हद तक मैं ये कहूँगा कि जी हम उनकी उम्मीदों पर पूरा उतरे हैं। बचपन बहुत खूबसूरत गुजरा है, बहुत खूबसूरत पुरफजा मकाम था, उसमें हम जाते थे परिंदों के पीछे, घोंसले और घोंसलों में जो है ना वो हम देखते थे, ठीक है, और खरगोश घरों में पालते थे, मुर्गियाँ ठीक है, चूजे लाते थे, चूजे लाके उनको पालते थे, उनको बड़ा होते हुए देखते थे। जी जी, और वही जो एक देहात में होता है कि जो आपकी सबसे जो पसंदीदा गजा होती है कि आपकी जो रोटी के ऊपर आपको जो मक्खन रखते थे, मक्खन रखते थे, मकई की रोटी के ऊपर साथ में साग खाना, उस तरह का माहौल था, और बहुत ही अच्छा जो ना उसको बचपन को हम मिस कर रहे हैं। आज सब कुछ है लेकिन वो खुशियाँ नहीं है, न वो लोग हैं और न वो उस किस्म का माहौल है। और अब जबकि बच्चे वो स्कूल गोइंग हैं, पढ़ रहे हैं, तो अब ऑब्वियसली ऐसी जगह पे जाना कि जहाँ पे स्कूल की फैसिलिटीज़ जो है ना वो शायद के वो उस लेवल पे नहीं है जो कि होनी चाहिए, तो ऑब्वियसली आप अपने गांव में जो ना मुस्तकिल अभी जाके आप नहीं रह सकते। तो काफ़ी मैं समझता हूँ कि अभी भी जब जाते हैं तो बड़ी खुशी होती है। जी, आपने बिल्कुल सही कहा डॉक्टर साहब, मैं समझता हूँ कि जो आपने वालदैन के आपके साथ शफकत का जिक्र किया कि उनकी शफकत जो है वो मार की सूरत में भी होती थी, मैं तो ये समझता हूँ कि मेरे वालदैन की मार ने मुझे आज इस काबिल किया कि मैं आज आपके सामने कनाडा में दुनिया के बेहतरीन सिटी के अंदर वैंकूवर के अंदर बैठ के मैं आपके साथ गुफ्तगू कर रहा हूँ। और ये उनकी ही दूरस सोच थी जो वो हमको बनते हुए देखना चाहते थे। डॉक्टर साहब, एक मैं आपसे जो एक एक ख्याल होता है, एक आप डिप्लोमेट रहे हैं यहाँ पे काफ़ी अच्छा, आपने कम्युनिटी को भी देखा है, लेकिन जब आप यहाँ पे आ रहे थे उस वक्त आपकी क्या फीलिंग थी, और अब जब यहाँ से आप जा रहे हैं तो आपकी क्या फीलिंग थी, थोड़ा सा हमारी कम्युनिटी के साथ ये भी शेयर। जी, मैं जब आ रहा था तो मुझे तो ऑब्वियसली मैं काफ़ी टेंस था, इसलिए कि मुझे यहाँ के माहौल का पता नहीं था। मुझे ये था कि मेरी जो लास्ट मीटिंग थी फॉरेन सेक्रेटरी एजाज साहब थे उस वक्त, और जो कि बहुत अच्छे इंसान थे और बहुत अच्छे ऑफिसर थे, तो उसने मुझे जो है ना वो कह रहा था कि जी कम्युनिटी वैंकूवर की कम्युनिटी बड़ी अच्छी है, और आपके लिए हम ये समझते हैं कि जी आप उनको बहुत खूबसूरत तरीके से डील करेंगे, और आप उनकी जो टैलेंट है आप उनसे इस्तेफादा उठाएंगे। और से एक बात जो मुझे उन्होंने बड़ी अच्छी कही थी कि अगर आप अपने कम्युनिटी को रिस्पेक्ट नहीं दे रहे तो उनको कोई दूसरा बंदा नहीं देगा, और ये बात मैं पहले भी मेरे जहन में थी और यकीनन उसके बाद बिल्कुल मेरे जहन में ये बिल्कुल पक्की हो गई। तो एक थोड़ी सी टेंशन भी थी कि जी क्या यहाँ माहौल कैसा रहेगा। जी, अब जबकि मैं जा रहा हूँ तो मुझे टेंशन तो नहीं है, लेकिन मुझे ये है कि वो जो एक होता ना आप जो जिन लोगों के साथ आप जैसे मैंने पहले भी कहा आपको आप अपने दोस्तों को छोड़ रहे हैं उसकी टेंशन है, बाकी मुझे ऑब्वियसली मैं मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स जा रहा हूँ जहाँ हमने जिंदगी का बड़ा हिस्सा गुजारा है, तो वो आपको इस किस्म की टेंशन है, आपको पता है आपने क्या काम करना है। तो एक मुख्तलिफ नौयत के जो है ना वो नौयत की फीलिंग्स है मेरी जी आते हुए और जाते। तो जब आप आए थे और जब आपने शुरू में चार्ज लिया तो कम्युनिटी से मिलने के मुख्तलिफ मौके आपको मिले, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन ने आपके इस्तकबाल के लिए अरेंजमेंट किए, पाकिस्तानी कैनेडियन कल्चरल एसोसिएशन ने भी आपके इस्तकबाल के लिए बहुत बड़ा इंतजाम किया था। तो जब आप उन प्रोग्राम्स में गए कम्युनिटी के साथ कनेक्ट हुए तो जो डायनेमिक्स आपने देखी और जो पैशन आपने देखा कम्युनिटी के अंदर उसके मुताबिक बताएं कि उसके बाद आप कंफर्ट जोन में आए कि वो आपका स्ट्रेस लेवल रिलीव हुआ और वो जो जर्नी थी थ्रू आउट
कि इतने कम्युनिटी हमारी मुसलसल बढ़ रही है और उसके बाद डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन थी उनको इकट्ठा करके फिर पाकिस्तान फेस्टिवल को आपने रिवाइव किया, तो वो जो चैलेंजेस थे और जो स्ट्रेस रिलीव हुआ उसके मुताबिक बताइए कि कैसा तजुर्बा रहा आपका। मुझे जहाँ तक याद पड़ते हैं मुझे आप लोगों के साथ जो मेरा इंटरेक्शन था PCCA के साथ मुझे सरी लाइब्रेरी में है, सरी लाइब्रेरी में जो जी बिल्कुल सही तो जी शुक्रिया, तो सरी लाइब्रेरी में जो ना वो आप लोगों ने मुझे ब्रीफिंग दी थी कि जी आपका PCCA है क्या चीज़ डॉक्टर साहब कही है जी ये डॉक्टर, और वहाँ भी मैंने जिन लोगों के साथ मेरी अच्छा जो मेरी मुलाकात हुई है तो वो उनमें से मेरे बड़े अच्छे दोस्त बने आज भी हैं। क्या बात। अच्छा उसके अलावा जिन मुझे याद पड़ता है आप लोगों का जो पहला फंक्शन था वो मुझे इकबाल डे था, वो शायद आपने केरला उर्दू एसोसिएशन के साथ मिलकर 11 नवंबर 2014 की बात है, आपकी मेमोरी बहुत अच्छी है, बड़ी मेमोरी, बहुत मेमोरी जबरदस्त। तो वो एक प्रोग्राम था ऑब्वियसली वहाँ पे जब आप मिलते हैं तो आप जब लोगों के साथ आपकी आशनाई पैदा होती है तो यकीनन वो आप काफ़ी कंफर्टेबल फील करते हैं जी। मुझे याद था कि PCA वालों के साथ मेरा पहला इंटरेक्शन हारून खान ने मुझे ये सीजन जिंदी पार्क में मुझे उन्होंने इनवाइट किया था, तो एक दो जो दो उस वक्त मेजर ऑर्गेनाइजेशन थी उनके साथ मुझे जब जितना मैंने इंटरेक्ट किया तो मुझे वो डायनामिक की समझ आई, शुरू में मुझे चैलेंजेस थे इनको एक साथ लाना, लेकिन अल्टीमेटली जो है ना वो जब आप ये समझते हैं कि मेरा इसमें कोई ज़ाती कोई चीज़ तो है नहीं है, ठीक है अगर हम एक साथ रहेंगे बहुत सारे लोग एक साथ मिल के बैठेंगे अपने जो है ना काम करेंगे बातचीत करेंगे गपशप करेंगे तो उसका अपना मज़ा ही होगा जी बिल्कुल। तो वो मैं समझता हूँ कि जी जो एक बड़ी देर के बाद वो हमने वो अचीव किया है वो जो एक मकसद था जी, लेकिन बहरहाल वो कहते हैं कि देर आए दुरुस्त आए तो वो वाली बात जी। तो नाज़रीन को हम ये बताते चलें कि डॉक्टर साहब जब यहाँ पर आए तो पाकिस्तान फेस्टिवल को रिवाइव करने में डॉक्टर साहब ने कलीदी किरदार अदा किया, तीन ऑर्गेनाइजेशन पाकिस्तानी कैनेडियन कल्चरल एसोसिएशन, पाकिस्तान कैनेडा एसोसिएशन और पाकिस्तान कैनेडा वुमेन सोसाइटी, इन तीनों को इश्तराक के साथ जो सरबराही थी और सरपरस्ती थी डॉक्टर साहब की कौंसल जनरल की हैसियत से कौंसलेट की तरफ से, उसमें रह के उन्होंने 5 से 6 बेहतरीन, इस साल हम नहीं कर सके प्रोग्राम COVID-19 की रिस्ट्रिक्शंस की वजह से, लेकिन हमारा पूरा इरादा था। तो डॉक्टर साहब के क्रेडिट पे और तमाम जो ऑफिशियल जिम्मेदारियाँ उन्होंने ऐसे तरीके से निभाई हैं, उसके अलावा जो अदर क्रेडिट हैं जिसको सोशल क्रेडिट आप कहते हैं वो डॉक्टर साहब का बहुत ज़्यादा है, तो उसमें हम उनको जितना भी एक्नॉलेज करें कुछ भी सर्टिफिकेट दें कुछ भी अवार्ड दें वो कम है। तो हम उम्मीद करते हैं कि डॉक्टर साहब अगले साल जब हालात थोड़े बेहतर हो जाएंगे और हम फेस्टिवल का फिर इनेकाद करेंगे तो डॉक्टर साहब को हम एज अ गेस्ट पाकिस्तान से दावत देंगे और उम्मीद करेंगे कि डॉक्टर साहब उसमें शिरकत करने के लिए ज़रूर आएँ। नवीद वड़ाई साहब, वकार फारूक खान और डॉक्टर तारिक साहब से गुफ्तगू जारी है, तो हम डॉक्टर साहब से कहेंगे डॉक्टर साहब के इतना जो अरसा आपने गुजारा है कम्यूनिटी के मुतालिक आज दिल की बातें कुछ करें आप, ठीक है ना, आप जो दिल में क्या महसूस करते हैं कम्यूनिटी के अंदर क्या रवैये आपने देखे और क्या समझते हैं कि कम्युनिटी को आगे क्या करना चाहिए, और आप डायरेक्ट मुखातिब कर सकते हैं। हम माजरत चाहते हैं कम्युनिटी से COVID-19 की रिस्ट्रिक्शंस की वजह से हम आपको डॉक्टर तारिक से मिलने का मौका बराह रास्त नहीं फराहम कर सके, लेकिन हमने थोड़ी सी कोशिश की है कि नवीद भाई के प्रोग्राम के ज़रिए से वो उनका रब्ता आपसे मुमकिन हो, तो डॉक्टर साहब से हम गुजारिश करेंगे कि कम्युनिटी से बराह रास्त मुखातिब हों। बिल्कुल जी, कम्युनिटी से बात करें, बताएं आपको क्या ख्वाहिशात रही हैं, आप जाते हुए क्या महसूस कर रहे हैं। जी जहाँ तक मैं पर्सनल लेवल का ताल्लुक है तो मैं कम्युनिटी का बेहद मशकूर और ममनून हूँ कि जितनी हमें इज्जत दी है वो कम्युनिटी ने दी है, जिधर भी मैं गया हूँ कम्युनिटी ने भरपूर जो है ना वो और शानदार अंदाज में जो है ना वो हमें इस्तकबाल किया है, मैं सबका तहे दिल से ममनून हूँ। आपकी उसके साथ साथ आपकी कम्युनिटी से कुछ एक्सपेक्टेशंस होती हैं और ख़ास तौर पे मैं कम्युनिटी में हर एक बंदे की बात नहीं कर रहा हूँ, जो खास वो लोग जो कि
जो कि कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करते हैं, उनसे मेरी कुछ तवक्कुआत है और ऑब्वियसली वो तवक्कुआत तो पूरी तो नहीं हुई, लेकिन मैं समझता हूँ कि जी शायद उस पर काम हो रहा है। उसमें सबसे बड़ी बात जो है ना वो एक कल्चरल सेंटर का है। मैं इससे पहले भी कह चुका हूँ कि हमारी कम्युनिटी जो है ना उनका अपना कल्चरल सेंटर होना चाहिए, जैसे कि कैलगरी में है, जैसे कि एडमंटन में है, तो आपका भी एक कल्चरल सेंटर होना चाहिए। दूसरी बात ये ना कि बहुत सारे लोग जो आते हैं पाकिस्तान से जो जो यहाँ पे आते हैं लैंडेड इमिग्रेंट, उनके कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं, तो मैं ये समझता हूँ कि हमारी जो कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन है उनके अंदर जो है ना वो एक ऐसा सेक्शन हो जो उन लोगों को के लिए काम कर सकें, उनको गाइड कर सकें कि जी उन्होंने आके रहना किधर है, बच्चों की एजुकेशन की क्या मसाइल हैं, उनके लिए हेल्थ इंश्योरेंस का क्या बंदोबस्त होगा, उनके लिए गाड़ी की रजिस्ट्रेशन कैसे करेंगे, क्या एक्सपेंसिव है क्या कम एक्सपेंसिव है, ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। तो मैं समझता हूँ कि एक ऐसी ऐसे सेक्शन का जो है ना वो क़याम होना चाहिए जो कि बेशक अलग उनका कोई ऑफिस ना हो, लेकिन आप कम्युनिटी के ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रह के आप घर से भी लोगों को गाइड कर सकते हैं ये चीज़ें। बाकी हमारा फेस्टिवल तो हम करते आए हैं और बड़ी अच्छी बात है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि फेस्टिवल पाकिस्तान फेस्टिवल तो अपनी जगह पे है, लेकिन आपको छोटे छोटे फेस्टिवल करने चाहिए। जैसे आपने कोई फूड फेस्टिवल होना चाहिए आपका वो वक्फे वक्फे से, इसी तरह आपका कोई मैंगो फेस्टिवल होना चाहिए, आपकी कोई बुक फेस्टिवल होना चाहिए, तो इस तरह के जो है ना वो जो ना आपके वो होने चाहिए, इवेंट होने चाहिए। साथ मैं ये भी कहूँगा कि आप जो बाकी कम्युनिटीज़ हैं कनाडा की, बड़ी सबसे बड़ी खूबी ये है कि यहाँ पे 100 से ज़्यादा ममालिक के लोग यहाँ पे वो आके बसे हैं और यही इस मुल्क की खूबसूरती है। आप ये देखेंगे जी बाकी कम्युनिटीज़ क्या कर रही हैं, मसलन हम उनसे कंपैरिजन नहीं करें, शायद वो ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड होंगे, जैसे इटालियन हैं, उनका एक बड़ा खूबसूरत कल्चर सेंटर है, उसी के अंदर वो जिन के पास अपने रेस्टोरेंट भी हैं, वहाँ पे म्यूज़िक का भी प्रोग्राम होता है, वो जो ना वो वहाँ से वो चैरिटी का भी जो ना वो प्रोग्राम करते हैं। तो ये कई चैलेंजेस हैं जो मैं समझता हूँ कि ये कम्युनिटी में जो ना एक आम बंदा जो ना उसमें वॉलंटियर करके जो ना ऑर्गेनाइजेशन के साथ अगर मिल के काम करें। एक जो मैंने देखा है कि हमारी कम्युनिटी की रिप्रेजेंटेशन नहीं है, मैं यहाँ पे आया 2014 में और उसके बाद मैंने इलेक्शन देखे, म्यूनिसिपल इलेक्शन जो थे उसमें मुझे लगता है कि एक कैंडिडेट था जो रिचमंड से इलेक्शन लड़ रहा था। तो हमारे लोगों का फोकस जो है बदकिस्मती से वो रहा है कि जी उसका ताल्लुक पीटीआई से और ये पीएमएलएन से, ठीक है, तो ये आपस की जो इनकी जो खेंचतानी है, मैं थोड़ी सी फ्रेंक बात कर रहा हूँ, ये जो ना बिल्कुल मैं समझता हूँ बहुत ही एक नामुनासिब सी चीज़ है। आप कैनेडियन हो, पाकिस्तान ओरिजिन के, आपको चाहिए कि आप कैनेडियन पॉलिटिक्स में हिस्सा लें, आपको ग्रीन पार्टी में जाना चाहिए, आपको बीसी लिबरल में जाना चाहिए, आपको फेडरल लिबरल में होना चाहिए, आपको एनडीपी में होना चाहिए, आपको सब पार्टियों में रिप्रेजेंट करना चाहिए अपने आप को, और आपको ये चाहिए कि जी आप जो है ना वॉलंटियर करें, अपने स्टूडेंट्स को अपने बच्चों को भेजें कि इन पार्टियों के साथ वो वॉलंटियर करें। और मैं ये समझता हूँ कि आप इस पे बहुत कुछ काम करने की ज़रूरत है। जी जी बिल्कुल जी, डॉक्टर साहब आपने बिल्कुल सही कहा, तो मैं आपकी बात से बिल्कुल एग्री करता हूँ कि हमें मेन स्ट्रीम कैनेडियन पॉलिटिक्स के अंदर फोरफ्रंट पे आके जो है वो हिस्सा लेना चाहिए, और जो हमारी पीछे से जो हमारे पाकिस्तान से जो सियासी नज़रियात हैं उनको अगर हम पाकिस्तान तक महदूद रखें, यहाँ पर जब कनाडा में रहें तो कैनेडियन की हैसियत से सोचें कि कौन सी जो सियासी पार्टी है जिसके साथ हमारे नज़रियात मिलते हैं, उनके साथ मुंसलिक होकर ख़ुद वॉलंटियर करके अपने बच्चों को वॉलंटियर करा के उनकी सियासी तरबियत करें। और वैसे एक बात मैं डॉक्टर साहब से पे करना भी चाहूँगा कि एक वक्त लगता है किसी भी शख्स को या किसी भी कम्युनिटी को अपनी जगह बनाने के लिए, तो वो वक्त जो है अब आ गया है,
जिसको आप कहते हैं कि वक्त करता है परवरिश बरसों, हादसा एकदम नहीं होता, तो हमारी खुशकिस्मती है कि इस वक्त जो ब्रिटिश कोलंबिया लेजिस्लेचर के इलेक्शंस जो कॉल हुए हैं, जो कि 24 अक्टूबर 2020 को होने जा रहे हैं, उसमें सरी वाली से पाकिस्तान कैनेडा एसोसिएशन के एक्स प्रेसिडेंट शौकत खान साहब को बीसी लिबरल ने नामजद किया है और वो वहाँ से लड़ रहे हैं। इसी तरह हमारी कम्युनिटी की जो रिसेंट लैंडेड इमिग्रेंट इन वैंकूवर, वो बर्नबी से महरीन उनका नाम है, वो बर्नबी से ग्रीन पार्टी की तरफ से लड़ रही हैं। तो ये अभी रास्ते खुलने शुरू हुए हैं। तो मैं डॉक्टर साहब से चाहूँगा कि डॉक्टर साहब जो हैं वो अपनी ख्वाहिशात का इजहार कि शौकत खान साहब से वो क्या उम्मीद रखते हैं कि अल्लाह ताला ने उनको मौका दिया कि वो बीसी लेजिस्लेचर में जाएं, तो वो पाकिस्तानी कम्युनिटी की कैसी खिदमत कर सकते हैं और महरीन के लिए भी। और आज एक और भी कंफर्म नहीं हुआ डॉक्टर साहब, हमारे वाइट रॉक से गालिबन असद सैयद साहब जो है उनको भी ग्रीन पार्टी ने नॉमिनेट किया है, तो आज हम उसका हमें उसकी कंफर्मेशन हो जाएगी तो हम नाज़रीन तक पहुंचा देंगे। डॉक्टर साहब आपकी ख्वाहिशात इन तीनों कैंडिडेट्स के लिए। जी मैं तो ये समझता हूँ कि जो इनका इलेक्शन लड़ना ये एंड नहीं है, इट्स अ मीन टू एन एंड, ठीक है। ऑब्वियसली ये पहली दफ़ा लड़ रहे हैं, इनका कोई पॉलिटिक्स में पहले का बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस शायद नहीं होगा जो इनके ओपोनेंट्स का है, तो ये कोई बात नहीं है, ठीक है। आप इलेक्शन में आए हैं, ठीक है। आप सबसे अच्छी बात ये है कि जी आप बीसी लिबरल के प्लेटफॉर्म से लड़ रहे हो ग्रीन पार्टी के, जो को मैं इससे पहले कह चुका हूँ, तो ये सबसे खुशायन बात है, ठीक है। मेरी इनके लिए बेस्ट विशेज हैं और ऑब्वियसली वही बंदा जीतेगा जो बेस्ट कैंडिडेट होगा। हम किसी को ये नहीं कह सकते कि जी आप किसको वोट करें, ठीक है, आप बेस्ट कैंडिडेट के लिए वोट करें, लेकिन आप इलेक्शन में आए, आप अपनी जो है ना वोटिंग राइट्स उसको आप फॉरगो ना करें, बल्कि आप आए और लोगों को वोट दें। आपकी मर्जी, आप शौकत खान को दें या उसके जो भी है ट्रांसटन को, लेकिन वोट जरूर दें, ये मेरी आप लोगों से ख्वाहिश है। नहीं, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, बिल्कुल ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है। जो नाज़रीन हमें देख रहे हैं, हम उनसे भरपूर दरख्वास्त करेंगे और अपील करेंगे कि वो जिन लोगों के पास मेल पैकेजेस आ चुके हैं वोट के, वो अपना वोट कास्ट करने में ताखीर ना करें, और जो लोग मेल पैकेजेस ऑर्डर नहीं कर सके लेकिन इलेक्शन कमीशन के पास उनके नाम थे, वो अपनी तारीखों पे जो भी उनके इलाके में बैलेट बॉक्स जिन जिन जगहों पर रखा जाएगा पोलिंग स्टेशन पे, वहाँ जाके यकीनन कोविड-19 की रिस्ट्रिक्शंस को और हेल्थ गाइडलाइंस को फॉलो ज़रूर करें, डिस्टेंस आपस में बरकरार रखें और वोट देने ज़रूर जाएं। तो जी डॉक्टर साहब, एक जैसे आपने एक बहुत ही एक अच्छा निज़ाम अपने काउंसिल ऑफिस में एक कायम कर दिया है, बड़ी अच्छी वहाँ पे लोगों के साथ ट्रीटमेंट होती है, लोगों के सवालात के जो जवाब हैं वो उनको मिल जाते हैं। आइंदा जो ये आपसे एक ऐसा क्वेश्चन है कि आपके जो इस जगह पर जो दूसरे हमारे साहब आ रहे हैं, अगर आप उनको जानते हैं थोड़ा सा हमारी कम्युनिटी को बताएं कि वो उनके लिए आप क्या कुछ छोड़ के जा रहे हैं उनको। मुझे नहीं लगता कि कुछ इतना काम करना पड़ेगा आपकी, मैं हमने ऑफिस में विजिट भी किया है तो बड़े ज़बरदस्त इंतजाम हैं, लेकिन अगर आप हमारी कम्युनिटी से उनका नाम रिवील करना चाहें, कैसी शख्सियत होंगी आगे चल के, क्या प्लान होंगे? जी मेरे जो सक्सेसर हैं जानबाज खान उनका नाम है, और जो बहुत ही एक्सपीरियंस डिप्लोमेट हैं, काफ़ी जो है ना उससे पहले पेरिस जर्मनी बर्लिन में कोलंबो में रह चुके हैं, तो काफ़ी जो है ना वो जानदीदा शख्सियत हैं और काफ़ी एक्सपीरियंस बंदे हैं, बड़े अच्छा उनका स्टाइल है जो किसी से बातचीत करता है, तो मैं समझता हूँ कि वो शायद मुझसे ज़्यादा अच्छे हों। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने जो मुझे जिस किस्म का जो है ना सपोर्ट दिया, आप वो सपोर्ट उनके साथ आप जारी रखेंगे। आपने जो बात की वो ऑब्वियसली जब आप इनकमिंग जो ऑफिसर होता है उसके लिए आप कुछ इंफॉर्मेशन उसके लिए आप छोड़ते हैं, वो मैं जानबाज खान के लिए ये छोड़ के जा रहा हूँ ताकि वो वहाँ से शुरू करे जहाँ से मैं छोड़ के जा रहा हूँ। ऑब्वियसली एक नए बंदे के लिए बड़ा मुश्किल होता है कि वो बहुत सी चीज़ों का उसको इल्म नहीं होता है, तो वो मैं कर रहा हूँ। साथ जो है ना यकीनन हमने सिस्टम में बेहतरी लाने की कोशिश की, हमारे पास ऑब्वियसली हमारी अपनी कंस्ट्रेंट्स होती हैं, मेन पावर की कंस्ट्रेंट्स हैं, ठीक है, तो इस तरह की चीज़ें वो होती रहती हैं। मेहरबानी करके आप हमें अपने फीडबैक दिया करें कि जी हम क्या करें, हमें ईमेल
का जो ना इस्तेमाल जो ना वो ज्यादा करें, और ऑब्वियसली जब आप ईमेल भेजेंगे वो हमारे पास आती है और हम उस ईमेल का मेक श्योर करते हैं कि जी आपका आपको उसका जवाब जो है ना वो फौरन दें। और इसके अलावा को जो भी जो है ना आपकी जो कोई लोगों के प्रॉब्लम्स हो, मैं समझता हूँ कि कौंसलेट पहले भी बड़ी ओपन थी लोगों को सुनने में, ठीक है, और उनके मसाइल को समझने के लिए, आप भी मैं समझता हूँ कि वो जो इससे पहले जो एक प्रोसेस शुरू हुआ है वो आगे जारी रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपके नए ख्याल का और उनके लिए बेस्ट विशेस का। हम वी आर सर्टेनली लुकिंग फॉरवर्ड टू मीट एंड ग्रीट विद आवर न्यू कौंसल जनरल जांबाज खान साहब, उनसे मुलाकात होगी। जो नाज़रीन हम आपके सामने हैं वो मुलाकात पेश करेंगे इंशाल्लाह ताला, और डॉक्टर तारिक साहब के साथ उनसे गुफ्तगु जितनी देर होती रहे वो कम है। दिल तो नहीं चाहता कि उनको हम खुदाफिज कहें, लेकिन लेकिन हमने डॉक्टर साहब से जो है वो उनकी कैफियत के लिहाज से कि जो उस वक्त महसूस करते हैं या जो भी उनके दिल में है वो, क्योंकि डॉक्टर साहब के मुताबिक मैं आपको बताना चाहूँ नाज़रीन, डॉक्टर साहब ने अल्लामा इकबाल के ऊपर एक पूरा सेक्शन जो है वो वैंकूवर पब्लिक लाइब्रेरी के अंदर जो इंट्रोड्यूस किया और वहाँ पर किताबें डोनेट की हैं, ठीक है। तो जिन जो लोग भी अल्लामा इकबाल को पढ़ना चाहते हैं वो वैंकूवर पब्लिक लाइब्रेरी में जाके वहाँ से किताबें जो हैं वो ले सकते हैं और पढ़ सकते हैं और उनके नज़रिए से अपने आप को रोशनास करा सकते हैं। तो डॉक्टर साहब हम आपकी खिदमत का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं, और बहुत सारी खिदमत डॉक्टर साहब की हैं, लेकिन एक पहलू जो जो जिससे हमारे नाज़रीन शायद वाकिफ़ ना हो, डॉक्टर साहब बहुत अच्छा नसरी और नज़मी ज़ौक़ रखते हैं और गज़लियात से, शायरी से और हिस्ट्री से इनका बड़ा शगफ़ है, और ये मुख्तलिफ लोगों की बायोग्राफीज़ भी बहुत ज़्यादा पढ़ी हैं उन्हें, और हत्ता के शायद कनाडा में रहने वाले लोग इतने यहाँ के सिंगर्स को और नॉर्थ अमेरिका के सिंगर्स को या लेटिन अमेरिका के सिंगर्स को नहीं जानते होंगे जितना डॉक्टर साहब जानते हैं। तो उनसे हम दरख्वास्त करेंगे कि जो अभी उनकी लेटेस्ट रीड्स रही हैं, जो अभी उन्होंने हालिया में बायोग्राफीज़ पढ़ी हैं, उनका थोड़ा सा किसी का जिक्र करें किसी किरदार से जिससे वो मुतासर हों, और लेकिन उसकी इब्तदा करें किसी भी अपने पसंदीदा शेर से या गज़ल से या नज़म से। डॉक्टर साहब ओवर टू यू। ये फैज़ साहब का एक शेर मुझे याद आ रहा है कि उतरे थे कभी फैज़, उतरे थे कभी फैज़ वो आईने दिल में, आलम है वही आज भी हैरानी दिल का, हैरानी है दिल का, वाह। ये तो आपने बायोग्राफी का पढ़ा, अभी रिसेंटली मैंने फ्रैंक सिनाट्रा की बायोग्राफी है वो मैंने पढ़ी, एल्विस की बायोग्राफी मैं अभी पढ़ रहा हूँ, ये है। और उसके अलावा आपने जो है कैनेडियन सिंगर का जिक्र किया है, तो बहुत ज़्यादा सिंगर्स हैं लेकिन मेरी पसंदीदा सिंगर मुझे नहीं पता कि आपकी है, सेलिन डियोन है, सेलिन जी, और उनका एक बड़ा खूबसूरत गाना जो एक्चुअली उन्होंने टाइटैनिक नहीं टाइटैनिक का नहीं था वो ऑल दी वे, ऑल दी वे उन्होंने फ्रैंक सिनाट्रा ने गाया हुआ था और उसके साथ उन्होंने उसको वो मिक्स किया है, रीमिक्स किया है ठीक है। तो मुझे ज्यादा अच्छा लगता है, गो के मेरे बच्चे कह रहे हैं कि फ्रैंक सिनाट्रा का जो है ना जो अदायगी अल्फाज की वो बहुत ज्यादा अच्छी और बहुत गहरी है, ऐसी बात है, वो ओरिजिनल तो ओरिजिनल ही रहता है। जी तो मत है कि हम म्यूजिक अपनी म्यूजिक को तो हम कहते हैं कि जी बहुत आला पाए की है, लेकिन जितना कि वेस्टर्न जो है ना जो क्या नाम है आपकी साइंस एंड टेक्नोलॉजी में जितनी तरक्की की है, उन लोगों ने म्यूजिक में भी इस तरह की इनोवेशन लाए और इतनी तरक्की की है, तो मैं भी ये उम्मीद करता हूँ कि कभी हमारा भी अपना एक नेशनल ऑर्केस्ट्रा होगा और हम भी उस स्टाइल से म्यूजिक जो है ना वो तख्लीक करेंगे जिस स्टाइल से। डॉक्टर इस बात पे मैं वो बात करना चाहूंगा डॉक्टर साहब, पाकिस्तान में एक जो म्यूजिक का नया दौर शुरू हुआ वो कोक स्टूडियो से शुरू हुआ, जो दुनिया में उसने नेस्कैफे जो पाकिस्तान ने पहला कदम उसमें रखा और वो दुनिया भर में मशहूर हुआ और लोग उसके हर सीजन का बहुत शिद्दत से बेताबी से इंतजार करते, बल्कि हमारे पड़ोसी मुल्क में जब कोक स्टूडियो शुरू हुआ तो वहाँ के लोगों ने खुद वहाँ की जो फिल्मी और मीडिया फ्रेटर्निटी है उसने ये एतराफ़ किया कि कोक स्टूडियो जो है पाकिस्तान से शुरू हुआ तो ओरिजिनल की जो क्वालिटी है वो उसको मैच नहीं कर सके। तो डॉक्टर साहब कुछ नज़म आपसे हम सुनना चाहेंगे जो भी आपके दिल के करीब हो, फैज़ साहब की हो या फराज साहब की हो, और हम उस पर गुफ्तगू इख्तिताम करेंगे। लेकिन
आप ओवर टू यू, आपके दिल में जो है। अभी तो आपने पूरी नज़म का कह दिया तो मुझे जो है ना, जो आपको मुझे एक शायद अभी इस वक्त मेरे ध्यान में नहीं आ रही है, लेकिन फैज साहब की एक नज़म थी जो कि मुझे बहुत सारे अशार मेरे ज़हन से अभी इस वक्त निकल चुके हैं। वो अगर खुदा वो वक्त न लाए, खुदा वो वक्त न लाए कि सौगवार हो तू, सकून की नींद तुझे भी हराम हो जाए, तेरी हयात तर्ख जाम हो के रह जाए, गमों से आई नहीं दिल गुदाज हो तेरा, खुदा वो वक्त न लाए कि सौगवार हो तू। ये मुझे अब पूरी याद नहीं है, लेकिन ये उस जमाने की शायरी है जो उनकी जो नक्शे फरियादी जो के मैं समझता हूँ कि गालिब के शेर पे है कि नक्श फरियादी है किसकी शौखी तहरीर का, कागजी है परहन हर पैकर तस्वीर का। तो ये उन्होंने उससे जो है ना वो लिया नक्श फरियादी, काबे सख्त जानी हाय तन्हाई न पूछ, सुबह करना शाम का लाना है जुए शीर का। क्या बात। तो ये फैज वो नज़म मुझे अभी चूंकि ये जवानों के लिए जो है जब हम स्टूडेंट होते थे और नौजवान होते थे तो उस जमाने में ये बड़े जो है ना इसको हम मजे से जो है ना इसको अपने साथ गुनगुनाती हूँ। अब मेरे जहन से वो अशआर निकल गए, हो सकता है कि मैंने इसमें गलती भी की हो, ठीक है, लेकिन ये बहुत खूबसूरत नज़म है जो कि नक्श फरियादी की पहली जो है ना उसमें है नज़मों में से। ये पहली नज़म ही हुई है, पहली नज़म है बिल्कुल जी, और दीवान की भी, दीवान गालिब जो है उसकी भी पहली जी, जी, पहली गजल यही है नक्श फरियादी जी जी। अच्छा नाज़रीन, एक खूबसूरत हमारी नशिस्त हुई है डॉक्टर साहब के साथ, हम इन्हीं खूबसूरत अशार के साथ आपसे वकार फरूख खान साहब, डॉक्टर तारक साहब और मुझे नवीद वड़ाइच को आप यहाँ कस्बा रेस्टोरेंट से इजाज़त दीजिए, आपके साथ फिर मुलाकातें होती रहेगी। Thinking of buying, selling, or investing in real estate, whether it be residential, commercial, or pre-construction, Arshad Bhatti and his team of professionals can help. We have guaranteed allocations in high-rise and low-rise pre-construction projects in and around the GTA. Call Arshad Bhatti at 416-300-5600. That's 416-300-5600. Or register at arshadbhatti.com. शौक है नवाबों का और महफिलों की जान है, मुंह में जो रस खोल दे यही तो इसकी पहचान है, जायका है रवायती और खुशबू बेमिसाल है, कभी मीठा कभी खुशबूदार और कभी सौंफ सिपारी की भरमार है, मेहमान नवाजी का जो आखिरी पायदान है, सांसों को महका दे लबों को जो कर दे लाल, यही तो बाबू का पान है, और पान ही नहीं फालूदा आइसक्रीम और शवारमा भी है दस्तयाब, तो तशरीफ लाएं हमारी किसी भी ब्रांच पे, बाबू पान टेस्ट नॉनस्टॉप। Dixie Electronics and Appliances is your number one destination for electronics and appliances. Choose from TVs and home audio that will entertain your whole family, to home comfort essentials for your living space and a wide selection of appliances to build your perfect kitchen. From selection to delivery, Dixie Electronics is everything you need. Price match guarantee and 0% financing available, all under one roof. Come today at 5120 Dixie Road, Mississauga, or visit the website at dixieelectronics.ca. Wajid Malik pesh karte hain ek aur shandar project in the heart of Toronto, Western Village. Beautiful brand new homes with 2 bedrooms, 2 washrooms, minutes away from 401 York University and Yorkdale Mall. Exclusive brand new stainless steel home appliances included. Prices starting from only 719,900. Don't miss this wonderful opportunity. Call now 416-827-3333 or visit www.wajidmalik.com.
If you are looking for a reliable, professional, and affordable travel agency in your town, then your search is over. Global Travel and Tourists is your personal travel partner. We are the number one pilgrimage specialist for Hajj, Umrah, as well as Ziyarat to Iran and Iraq. Global Travel and Tours is a one-stop solution for your travel, immigration, and forex needs. We are IATA approved agents and an authorized Umrah agent. To book your holiday or Umrah package, please give us a call right now at 1-877-275-3555. GTA 865-2949 रोशन मुस्तकबिल और अपनों का साथ जन्नत से कम नहीं। आप भी कनाडा को अपना घर बना सकते हैं। ग्रीन स्टार इमिग्रेशन सॉल्यूशंस के रेगुलेटेड कैनेडियन इमिग्रेशन कंसल्टेंट शहबाज अकबर के साथ Master of Business Class Immigration, Express Entry, Skill Class Immigration, Refugee Claims and Family Sponsorships. So call now at 416-508-3989. Green Star Immigration Solutions Canada. It's never too late to follow your dreams. Student Biryani, famous Pakistani cuisine in Mississauga, offers a relaxing atmosphere which is perfect for couples, families and groups. All halal menu with our signature biryani haleem, delicious balochi karai and peshawari karai made with fresh ingredients, nihari, barbecue rolls, kids meals and many more Pakistani dishes for all ages. We also offer customized menu for catering. Student Biryani, proudly serving food lovers since 1969. This is our first and only branch in Canada. Come visit us today at 1010 Dreamcrest Road, Mississauga, or call us at 905-812-1969. Greenish hand sanitizer, na oily, na sticky, na badboo, or mukammal absorption. Aur hath nerm, mulayim, or saaf. आज ही अपनी करीबी फार्मेसी से खरीदें या हमारी वेबसाइट पर ऑर्डर करें www.greenish.com. Are you planning on buying, selling or investing in real estate and looking for a reliable real estate broker? Then look no further. Call Noma today. List your home and start packing. Honest, reliable, and a top negotiator. Give your attention to Noma. Over 10 years of Canadian real estate market experience. Invest in new construction projects with day one price. Call Noma Bobber today at 647-962-0007. The law professionals at TM Law, providing professional services in the GTA in the areas of civil litigation, criminal defense, family matters, and real estate, serving the community in English, Punjabi, Hindi, and Urdu. For more information, call Tahir Majid, barrister and solicitor, at 647-838-4773, or you can visit tahirlaw.ca. Mortgage solutions designed for you. 15-year experience of mortgage services. Customized mortgage solutions as per your need. Commercial, residential, construction and agricultural mortgage. Our lowest mortgage rate. At Team Farhan, we're here for all your mortgage needs. Team Farhan, ko ek dafa khidmat ka zarur mauka dijiyega.
And this is my personal promise to you, you will not be disappointed. At Team Farhan, we have a mortgage solution designed for you. 416-569-9294 or log on to www.teamfarhan.com. الصلاة خير من مسجد نور الحرم ایک شاندار روحانی تعمیراتی منصوبہ ماشاءاللہ ورلڈ اسلامک مشن کینیڈا خوشی سے اعلان کرتے ہیں کہ مسجد نور الحرم کی تعمیر کا کام شروع ہو گیا ہے اس پروجیکٹ کا ڈیزائن اور تفصیلات آپ یوٹیوب پر مسجد نور الحرم اوکفل ٹائپ کر کے دیکھ بھی سکتے ہیں اس شاندار روحانی مرکز کی تعمیر میں مالی تعاون کر کے اس کی تکمیل میں حصے دار بنیے ڈونیشنز کے لیے کال کریں 9052571342 یا wimcanada.com پہ لاگ ان ہوں I help clients with their legal protection, but I haven't done any estate or tax-free retirement planning for myself. With the recent changes, I wish I could minimize taxes and plan for a tax-free retirement income. For over 18 years, Zahid Syed of Arush Financial has been giving business owners and professionals sound advice on tax reduction, life and health insurance, and estate planning strategies. Act now. I can help. یا ہو بیچنا کوئی تجربہ کار اور ایماندار ریئلٹر ہو دیکھنا تو ریئل اسٹیٹ کی فیلڈ میں آپ کا دوست آپ کا رفیق تابش توفیق If you're searching for an honest and experienced realtor, please call Tabish Tawfiq of Remax Champions Realty Inc. 647-518-3000 or visit tabishhomes.com آپ کا دوست آپ کا رفیق تابش توفیق تابش توفیق 647-518-3000. Injuries not only impact you, but also people around you. Life is better than this. Let's get your life back. The injury lawyers at Alam Law will use their years of experience to handle your claim so that you can focus on your recovery. And remember, you don't pay until we win. Alam Law. Since 1993, MWC Food Banks have provided individuals and families with non-perishable food, halal meat, and essential household items. We have a special focus on the needs of our children. Over 10,000 families across Canada rely on MWC Food Banks to supplement their food requirements. We serve in Scarborough, Mississauga, and in First Nations communities in Ontario, Northwest Territories, and Nunavut. Your generosity can literally change lives. It's time now, more than ever, to look after your neighbor. Charity starts at home. Please donate generously to Muslim Welfare Canada Emergency COVID-19 Food Fund. Call 1-866-754-3111 or visit mwcanada.org. Thinking of buying, selling, or investing in real estate, whether it be residential, commercial, or pre-construction, Arshad Bhatti and his team of professionals can help. We have guaranteed allocations in high-rise and low-rise pre-construction projects in and around the GTA. Call Arshad Bhatti at 416-300-5600. That's 416-300-5600 or register at arshadbhatti.com.